हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। हमने सम निकालना है कितनी टर्म्स का, 40, जो किससे डिवाइड हो जाए, 6 से। देखिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय सिक्स। देखिए, डिविजिबल बाय 6 से डिविजिबल हो जाते हैं। लिखिए, 6 होगा 6 से डिविजिबल, 12 होगा। सबसे इजी बताती हूँ, 6 का टेबल लिखिए या 6 का डिफरेंस लिखिए। 6, 12, 18 अप टू, ऐसे छोड़ दो उसको, क्लियर। हमने कितनी टर्म का निकालना है, ए हमारे पास सीक्वेंस बन गई 6, डी कितना होगा 6, एन कितने हमारे पास 40 टर्म्स का, क्लियर। हमारे पास सम बोला गया कि निकालो 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो किससे डिविजिबल हो जाए, 6 से। अब इसकी जगह पर आपको कुछ भी आ सकता है, 8, 9, आप 9 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दो, 10, 11, कुछ भी आ जाए, तो ऐसे करना है आपने। सबसे इजी 6, 12, 18, डैश डैश डैश। ए कितने आपके पास 6, डी कितने आपके पास 6, एन इक्वल टू 40, क्लियर। हमने क्या निकालना है, सम एस एन इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। हमने कितने टर्म का निकाला है, 40, 40 बाय 2 2a, a की वैल्यू कितनी है 6, 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई d, d कितने आपके पास 6, कैंसिल आउट 20, 12 प्लस कितना है आपके पास 39 मल्टीप्लाई 6, 20, 12 प्लस 39 को 6 से करो 2 और 18, 18 और 5 23, 20 मल्टीप्लाई 6 4 2 46, 46 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6, देखो 0 है, आपको 0 से नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12, 8, 9, 8 और ये 0 एज इट इज़। दोबारा रिपीटेशन करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9, 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना आएगा आपके पास 4, क्लियर। दोबारा देखो, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। आपने कैसे लिए फर्स्ट 40 इंटीजर, 6, 12, 18 अप टू डैश डैश। ए कितने आपके पास 6, डी की वैल्यू कितनी है 6, एन कितने आपके पास 40। एस एन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट आउट की और सिंप्लीफाई किया इसको, और आपके पास आंसर आ गया 4920। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12।